अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने जमान में रखे, खैरियत से रखे, इस मुश्किल वक्त से जल्दी से निकाल ले। तो आज हम बनाने लगे बहुत मज़ेदार सी डिश, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बनाने लगे हैं चिकन चाउमीन, ठीक है। तो उसके लिए स्टेप वन है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे मेरे पास नूडल्स है, आप चाहें तो मैगी भी यूज़ कर सकते हैं, वो जल्दी से बन जाएंगे। तो मेरे पास ये प्लेन वाले हैं, तो मैं ये डालने लगी हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, इसमें मैं एक स्पून डालूँगी सॉल्ट। तो बाकी ये अपने नूडल्स डाल दूँगी, तो इनको हम नॉर्मली जैसे बॉईल करते हैं वैसे हम बॉईल करेंगे। तो बस फिर हम स्टेप टू स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टेप टू में ये है, मेरे पास ब्रेस्ट चिकन है, तो ठीक है इसको मैं काटूँगी। फिर आप इसकी जो भी इंग्रेडिएंट है वो साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। इसको आपने बारीक बारीक फलेते काट लें, इसके ये पतले पतले से जो है ना पीसीस काट लें पहले, और लंबाई में काट लें, ठीक है। मैं कई दफ़ा आपको बता चुकी हूँ काटने का तरीका, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि जब तक आप कटिंग अच्छी नहीं करते आपकी कोई भी डिश अच्छी नहीं बनती। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें बना सकते हैं, लेकिन ये है कि कटिंग बहुत ज़रूरी होती है चीज़ों में। तो कॉर्नफ्लावर डालेंगे हम, ठीक है इसमें, और डालेंगे हम चिली, डालेंगे हॉट चिली जो है वो एक स्पून डालेंगे इसमें। चिकन मैंने बताया ना काट के, उसमें ये डालेंगे, और चिकन और सोया सॉस डालेंगे इसमें एक स्पून, ऑयस्टर सॉस है, ठीक है। मैं डालेंगी ब्लैक पेपर, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हमारी डाल गई इसमें इंग्रीडियंट। तो अब इसको हम मिक्स करके इंग्रीडियंट डाल दिए, आप इसको रख देंगे हम 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो अब ये हमारे नूडल्स हो गए थे, इसको मैंने नॉर्मली जैसे पानी से वो निकाल लिया है। तो अब मैं इसमें एक स्पून जो है ना वो सेसम ऑयल, यानी कि तिलों का जो तेल होता है ना वो लगाने लगी, एक स्पून इसको लगा के इसको हम रख देते हैं। तो फिर क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं सॉस। पहले हम इसमें डालेंगे हनी, 2 टेबल स्पून हनी डालेंगे, 2 ही हम डालेंगे सोया सॉस एंड ऑयस्टर सॉस 2, ठीक है। टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें चिली, हॉट चिली, और 2 ही हम इसमें विनेगर डालेंगे। इसके अलावा ग्राउंड चिली डालेंगे हम इसमें, ठीक है, एक टेबल स्पून। पहले हमने ब्लैक डाली थी, ये ग्राउंड डाली। फिर मेरे पास ना ये वेजिटेबल हैं कुछ, आप अपनी मर्जी से जो आपको। तो वो डाल सकते हैं, मेरे पास ये बैक पेपर रेड है, ग्रीन है, ये देखो एक है पूरी, और 2 कैरेट है, और ये ग्रीन प्याज है, इसकी लीव है मेरे पास, और ये एक चिली है रेड, और बस ये कैरेट है। और इसमें मैं डालूंगी एक ये टुकड़ा, इसमें डलेगा अदरक का, जिंजर का, 2 इसमें लहसुन के डलेंगे, वो मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ, लेकिन अभी हम इनको काटते हैं सब्जियों को, ठीक। ओके जी, तो अब हम बाकी का करते हैं। गरम है बिल्कुल फुल, अब इसमें मैं 2 से 3 जो है टेबल स्पून जो है ऑयल डालेंगे, ठीक है। इसको फुल आपने फुल हीट पे बनाना है, ठीक है, इसको, क्योंकि इसका यही एक होता है कि इसको हमने ना फुल हीट पे बनाना होता है। करते रहना है इसमें, लहसुन अदरक जो काटा था मैंने उसको हम डालेंगे, ये जो सॉस बनाया था वो आप डालेंगे, फिर ये हम भी इसमें। ओके, यहाँ पे हम अपनी वेजिटेबल डालना शुरू कर देंगे, वेजिटेबल मैंने दिखा दिया था, हम क्या कर देंगे, फास्ट बन जाता है, बस चाइनीज का ये होता है कि आपको इसको फास्ट बनाना होता है और तेज़ आँच में बनाना होता है इसको। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, हाफ कप की करीब।
ओके जी, बन गया हमारा चिकन चाउमिन। अब आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं और दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला सबका अपनी जुबान में रखे। और बहुत मजेदार है, आप भी बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, जिसको मर्जी खिलाएं, और दुआ में याद रखें। और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके, बाय बाय।